नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारे महर्षि दयानंद विद्यापीठ के चैनल पर आपका स्वागत है। ठीक है, आज आपको पता है ऑनलाइन स्टडी में हमने एक अपना चैनल बना लिया है आपको पढ़ाने के लिए, जो कि एक माध्यम है हम दोनों को, आपको, आप और हम दोनों को जुड़ने का। ठीक है, ऐसे तो जो हमारी पढ़ाई चल रही थी आप हम लोगों को नहीं देख पा रहे थे, तो हमने एक नया जरिया निकाला है कि हम दोनों, आप प्यारे बच्चों जो आप स्कूल में आकर अपनी स्टडी पूरी नहीं कर पा रहे हो, तो आप मैम को लाइव देखकर अपनी स्टडी को पूरी कर सको। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला अपनाया है, यूट्यूब चैनल। ठीक है, और ये आप लोगों के थ्रू काफी सक्सेस हो चुका है हमारा ये चैनल। तो आप ज्यादा से ज्यादा हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं ईवीएस में हमें क्या वर्क करना है, वो हम आपको समझाती हूँ। ठीक है, वो मैं आपको समझाने जा रही हूँ। आज जो हमारा वर्कशीट है, आपको बेटा सबको पता है कि हमारे एग्जाम्स क्लियर हैं, कि 23 से स्टार्ट होने वाले हैं। तो हमें अपने आगे की पढ़ाई को स्टार्ट करते हुए क्या करना है, जो हमारा चैप्टर है हाउसिंग एंड क्लोथिंग। ठीक है, दो मैंने चैप्टर देख के रखे हैं, तीन है, तो आज मैं दो चैप्टर हाउस एंड क्लोथिंग का हम क्या करना है, वर्कशीट है एक, वो मैं आपको समझाऊंगी कि इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर रहो कि हमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो हम उसको इस तरह से इजिली अपना कर ले। ठीक है, तो इट मे बी कि इस टाइप से अगर आ गया तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, अगर आपको किसी भी बच्चों को समझ में नहीं आया तो बेटा आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपको समझा सकूं। देखिए, चलिए देखते हैं, हाउसिंग एंड क्लोथिंग वर्कशीट है ये, क्लियर। इनमें दो चैप्टर को कवर करना है जो आज मैं समझाऊंगी। मैंने दो चैप्टर को कवर किया है, हाउसिंग एंड क्लोथिंग। हाउसिंग मतलब घर होता है जो हमारे पास, जिसमें हम घर में रहते हैं, उनके जो हमने चैप्टर समझाया था उसके कुछ वर्कशीट है, तो उस वर्कशीट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी, हो सके कि आपको समझ में आए बेटा, तो को पूरी कोशिश करूंगी कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और क्लोथिंग है, सेकंड चैप्टर है हमारा क्लोथिंग, कपड़े। तो मैं इन दोनों चैप्टर को आज थोड़ा सा वर्कशीट में क्लियर करूंगी। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट चैप्टर हमारा हाउसिंग का आएगा, तो उस देखते हैं उसके अकॉर्डिंग में मैंने आपको क्या समझाने के लिए थोड़ा कोशिश करती हूँ। कहता है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लोथिंग हाउसिंग चैप्टर का है, और देखिए क्या है इस चैप्टर में। चैप्टर तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी थी, आज जो है जो वर्कशीट है प्लीज। ठीक है बेटा, तो देखेंगे ये है, सॉर्ट द फॉलोइंग हाउस टाइप्स अंडर द हेडिंग ऑफ परमानेंट एंड टेम्पररी हाउस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है। बेटा एग्जाम्स हो या कहीं भी हो, पहले आप अपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझिए कि क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को ऐसे नहीं उठाया और देखा और ऐसे कर दिया। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम हमें लगता तो कुछ और है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर कुछ और हमें करना होता है। तो बेटा आगे से ध्यान रखिएगा, जब भी आप एग्जाम्स में एंटर करेंगे तो क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आए तो आप एक बार प्लीज इसको ध्यान से पहले पढ़िए। ठीक है, बिना पढ़े उसका आंसर देने की कोशिश मत कीजिए। ये कभी कभी क्वेश्चन कुछ और होता है और हम उसका आंसर कुछ और लिख आते हैं। ठीक है, तो आप ऐसी है, आज हमारा जो क्वेश्चन है क्या करना है हमें, शॉर्ट द फॉलोइंग, शॉर्ट मतलब होता है छांटना, शॉर्ट मतलब अलग अलग उसको करना, द फॉलोइंग टाइप्स अंडर द हेडिंग ऑफ, दो हेडिंग आपको मिल जाएगी, कौन कौन सी देखिएगा। एक हमारा है परमानेंट, ये हमारी हेडिंग एक, और दूसरी है टेम्पररी हाउस। आ गया होगा समझ में, अब हमें क्या करना है, परमानेंट एंड टेम्पररी हाउस में आपको क्या करना है, शॉर्ट करना है, छाटने हैं। और आपको क्या है, ये दे रखा है, देखो कुछ वर्ड्स आपको दे रखे होंगे और वो आपको छाटने हैं, बताना है कि कौन से परमानेंट है और टेम्पररी है। अब तो पहले थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि हाउस जो है, आपको पता है कि हम जिस घर में रहते हैं वो क्या होते हैं, हाउस होते हैं। ठीक है, और क्या होता है, कच्चा हाउस दो तरह से होते हैं, हाउस तो होते हैं हमारे दो तरह के होते हैं, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। ठीक है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, लेकिन फिर भी थोड़ा समझा देती हूँ क्वेश्चन को करने से पहले कि कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस क्या होते हैं। कच्चा हाउस होते हैं जो मड
मिट्टी से बनते हैं, और यह होता है झाड़ फूक से बनते हैं ना, स्ट्रॉ से बनते हैं इसका जो होते हैं वो हमारे क्या उसे होते हैं, कच्चा हाउस। पक्का हाउस में क्या लगा होता है बेटा, कोई बताएगा पक्का हाउस में क्या होता है? पक्का हाउस में हमारे पास क्या होता है, ईंट सीमेंट और लोहे से जो बनते हैं वो हमारे पक्का हाउस होते हैं, और पक्का हाउस जो होते हैं वो क्या से होते हैं, परमानेंट हाउस होते हैं। ठीक है, और जो होते हैं मूवेबल, जो एक दूसरे का स्थान से दूसरे स्थान जा सके ऐसा घर। ठीक है, जो ऐसा घर जो एक स्थान से दूसरी जगह हम उठाकर ले जा सके उस घर को हम कैसा हाउस कहते हैं, टेम्परेरी हाउस। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो रखा हुआ है वहीं रखा रहेगा सदियों तक, वो वहीं पर बना हुआ है, तो वो हमारे होते हैं परमानेंट हाउस। और जो मूवेबल, मतलब कि एक वर्ड होता है मूवेबल हाउस, इट मीन्स जो मूव कर सके इधर से उधर हम उठाकर ले जा सके वो हमारे क्या होते हैं, टेम्परेरी हाउस। क्लियर? अब आपको ये समझ में क्लियर हो चुका होगा कि टेम्परेरी और परमानेंट हाउस में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, दोनों हाउस में भी डिफरेंस है, टेम्परेरी हाउस जो होते हैं, परमानेंट हाउस वो होते हैं जो हमें जो बहुत टाइम तक एक जगह स्टेबल रखे, एक जगह तक रख सके हम, बहुत टाइम तक सदियों तक हम रह सके उस घर में, वो हमारे होते हैं परमानेंट हाउस। टेम्परेरी मतलब होता है अस्थाई, जिसको हम कहीं भी एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान ले जा सके वो कैसे होते हैं, टेम्परेरी हाउस। क्लियर? चलिए, तो अब हमें क्या करना है, जैसे हट है, मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग्स, हाउस बोट, कैरावन, बैंगलो, फ्लैट, टेंट। ठीक है, ये आपको वर्ड दे रखे हैं। ठीक है, और आपको ये बताना है कि परमानेंट कौन से हैं और टेम्परेरी कौन से हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया? अब हमें क्या करना है, अब हमें अलग अलग करना, शॉर्ट करना, छांटना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा कर सकते हैं बेटा, चलिए इस तरह से हम इसको दो कॉलम में डिवाइड कर देते हैं। आपका पेज होगा, पेज को आप क्या कीजिए, दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, एक तरफ आप लिखेंगे परमानेंट परमानेंट हाउस, ठीक है, और एक तरफ आप लिखेंगे टेम्पररी हाउस। अब आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, इस तरह से हमें अपने छांटने होंगे, शॉर्ट करना है हमें। एक तरफ हमने लिखा परमानेंट हाउस और दूसरे तरफ हमने लिख लिया टेम्पररी हाउस। ठीक है, दिस इज द फॉर्मेट, आपको इस तरह से अपनी कॉपी में कर लेना है। क्लियर? चलिए अब क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट डालेंगे हम, इधर भी फर्स्ट पॉइंट डाल लेते हैं। अब हमें फर्स्ट देखेंगे, जो आपको गिवन है, जो हमें जो जो क्या थे हाउस दे रखे हैं, जो हाउसेस दे रखे हैं उनमें हमें क्या करना है, छांटना है। तो पहले वर्ड उठाएंगे हम, हट। पहला हमारे पास आया है HUT, हट। ठीक है, अब आप सोचिए हट क्या होता है, झोपड़ी। ठीक है, तो झोपड़ी हमारे कैसे होगी, परमानेंट हाउस है, क्योंकि हम ऐसा तो नहीं है कि गांव में आप गए हो गए बेटा, तो झोपड़ियां आपने देखी होगी गांव में बहुत सारी होती है, तो क्या वो हम एक उठाकर किसी और जगह ले जा सकते हैं, नहीं। बहुत सारी बिल्डिंग्स गांव में जो होती है हट, तो वो बेचारे लोग जो गरीब होते हैं, तो क्या वो अपने घर को कहीं भी उठा उठा के ऐसे ले जा सकते हैं, नहीं। ठीक है, वो अपने हिसाब से अपने घर को अपने मेंटेन रखते हैं, तो वो उसी घर में बहुत टाइम तक रह सकते हैं, तो इस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। तो हट हमारा किसमें आएगा, परमानेंट हाउस में आएगा। ठीक है, परमानेंट है, अस्थाई है, अस्थाई मतलब एक जगह हम उसको रख सकते हैं। सेकंड है हमारे मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग, मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग। अब सोचिए, अब आपको सेकंड पढ़ा है मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग। ठीक है, सेकंड हमारे मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग है, तो अब इसके बारे में आप सोचिए कि मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग क्या है। अब बिल्डिंग की बात के लिए जा रही है, मल्टी स्टोर्ड, आप बड़े बड़े शहरों में गए होंगे, आप गाजियाबाद में ही ले लीजिए। ठीक है, हमारे गाजियाबाद में आपने देखा होगा मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग्स होती है, यानी कि बहुत मल्टी स्टोर्ड मतलब स्टोर्ड बने होते हैं, बहुत फ्लोर बाई फ्लोर, फ्लोर बाई फ्लोर बहुत सारे बिल्डिंग्स बनी होती है ना, तो वो क्या ऐसे होंगी, क्या टेम्परेरी है, नहीं ना। क्या वो टेम्परेरी हो सकती है, नहीं बेटा,
जो हमारी मल्टी स्टोर बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग है मतलब किससे बनी हुई है, लोहे से, ईंट से, सीमेंट से, तो ये कोई स्थाई अस्थाई नहीं है, ये क्या होती है, स्थाई है, वो बहुत टाइम तक उस घर में लोग रह सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे सेकंड नंबर डालेंगे और हम लिख देंगे मल्टी स्टोर बिल्डिंग। क्लियर, चलिए अब हम यहाँ तक हमारा हो गया था, आप चाहो तो उसको टिक करते जाइएगा जिसका आपका होते जा रहा है, दो हो गए। अब है हाउस बोट, हाउस बोट है, अब आप सोच के देखिए हाउस बोट कैसा होगा और किस तरह से होगा, इसके बारे में सोचिए। हाउस बोट जो है हमारा पानी, हाउस बोट, ठीक है, पानी में बना हुआ जो घर होते हैं वो बोट के अंदर, तो वो कहीं भी हम उसको ले जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि वो स्टेबल हो गया, हाउस बोट है, नाव है, तो हाउस बोट मतलब कि नाव में ही एक बना हुआ घर है, तो वो इधर से उधर जा सकता है इजिली, तो हमारा क्या हो जाएगा, हाउस बोट, टेम्पररी हाउस। ठीक है, इसमें हम डालेंगे सेकंड नंबर, अब हम ये भी हमारा हो गया, इसको टिक कर लीजिए, कैरावन। ठीक है, कैरावन क्या होता है, गाड़ी होती है, ठीक है, एक एक हमारा कहा जाए कि गाड़ी होती है, और वो हम अपने कहीं भी, उस गाड़ी में सारा हमारा सोने का होता है, खाने का पीने का सब सामान होता है, तो वो गाड़ी को हम कहीं भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारा परमानेंट नहीं है कि एक ही जगह रखना है, वो हमारी गाड़ी है, कैरावन है, कहीं भी हम उसको इधर से उधर ले जा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ये हमारा टेम्पररी हाउस। क्लियर, अब ये भी हो गया, इसको भी हमने टिक कर लिया। अब देखेंगे बैंगलो कह रहा है, बंगलो, बंगला जो है हमारा, आप राजनगर में गए होंगे, बहुत सारे बंगले वगैरह होते हैं, बहुत बड़े बड़े बंगले होते हैं, ठीक है, जिसमें लोग रहते हैं, तो क्या वो हमारा थोड़े दिन के लिए होता है क्या घर, नहीं ना बेटा, बहुत सारे लोग उसमें बहुत टाइम तक रह सकते हैं, उस घर को हम इधर से उधर नहीं ले जा सकते, तो हमारा कौन सा घर होगा, वो परमानेंट हाउस हो जाएगा। ठीक है, परमानेंट का मतलब होता है स्थाई, एक ही जगह बहुत टाइम तक रह सकता है। ठीक है, थर्ड है हमारा, इसमें बंगला भी हो गया, अब है लास्ट सेकंड वन, फ्लैट, फ्लैट होगा, वही होता है कि फ्लैट में हम रह रहे हैं। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े फ्लैट बन रहे हैं आजकल, क्योंकि जो ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ लैंड, बहुत कमी, जमीन की कमी हो रखी है, तो लोग कब अपना घर ना बना के फ्लैटों में रहने लगे हैं, तो फ्लैट क्या हमारा कैसा हाउस हो जाएगा, देखिएगा, परमानेंट हाउस या टेम्पररी हाउस। परमानेंट क्या होता है, बहुत टाइम तक हमें घर में रह सकते हैं, ठीक है, और वो क्या होता है, हाउस, तो हमारा जो है फ्लैट है वो कैसा होगा, बहुत टाइम तक हम घर में फ्लैट में रह सकते हैं, इधर से उधर हम इस घर को नहीं ले जा सकते, इसलिए हमारा ये परमानेंट हो गया। ठीक है, इधर देखिएगा लास्ट है हमारा, इसको भी आप टिक कर लीजिए, और यहाँ देखेंगे टेंट। ठीक है, टेंट होता है, देखा होगा जो आर्मी वाले लोग होते हैं वो अपना क्या करते हैं, तंबू सा बना लेते होंगे, देखा होगा आपने, जो आर्मी वाले, आर्मी के लोग होते हैं वो कहीं भी अपना, उनको घर बनाना पड़ जाता है, उनका घर नहीं हो पाता है, लड़ाई उड़ाई में कभी जाए तो वो क्या बना लेते हैं, टेंट बना लेते हैं। ऐसा तो नहीं पॉसिबल है कि वो हर जगह अपने अपने घर को उठा उठा के ले जाए, तो उससे बचने के लिए वो क्या बनाते हैं, टेंट बना लेते हैं, तंबू, लकड़ियों को गाड़ कर और एक मोटी सी दरी सी होती है उसको अपना इस तरह से टेंट बना लेते हैं और उसके अंदर वो रहने लगते हैं, तो और जब वो कहीं वहां से उसको कहीं और जाना होता है तो उस टेंट को जल्दी से उठाया और पैक किया और रख लिया, फिर दूसरी जगह जाके उन्होंने फिर उसको कर लिया। ठीक है, तो फिर उन्होंने नई तरीके से उस घर को, टेंट को खोला और टेंट वहां पर फिर बना लिया, तो वो क्या होगा, टेम्पररी हाउस हो जाएगा, कि वो हम उठा के कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। क्लियर, एनी प्रॉब्लम बेटा, किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बताइए जल्दी से, किसी भी बच्चे का कोई कमेंट नहीं आ रहा है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क मी। ये आपको क्लियर है ना, चलिए देखिए
ये आपको क्लियर हो चुका होगा बेटा। चलिए अब हमारे पास है नेक्स्ट है शॉर्ट द फॉलोइंग हाउस टाइप्स नोट। अब इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है आपको छांटने होंगे, ठीक है। इसी तरह से बिल्कुल यही क्वेश्चन होगा। अब ये आएगा क्लॉथिंग का, कपड़ों का। अब आपके लिए फिर से कोई ऑप्शंस दे रखा है वुलेन क्लॉथ, ठीक है, अम्ब्रेला, जैकेट, कॉटन क्लॉथ, स्वेटर, रेनकोट, मंकी कैप, वुलन सॉक्स, एंड ग्लव्स, ठीक है। तो देखिएगा अब किसको बोला है आपको शॉर्ट द फॉलोइंग। हमारा क्वेश्चन है इसको हमें क्या करना है, शॉर्ट करना है यानी कि छाटने हैं वुलन क्लॉथ, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे विंटर सीजन में आप क्या पहनेंगे। इसको भी हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। रेनी सीजन, समर सीजन, ठीक है। चलिए अब इसी तरह से हमें इसको भी छांटना है, अलग अलग देखना है। चलिए देखते हैं बच्चे लिख के दे रहे हैं। मैम पहले तो हाँ बेटा मैं चेक कर रही हूँ, बताइए कोई दिक्कत हो तो बताइए, आप बोलिए मुझे, आप कमेंट करके मुझे बताइए। मैं देख रही हूँ बेटा किसी बच्चे का कमेंट नहीं आया है अभी तक कि आपको क्या पूछना है। आप पूछिए मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, प्लीज पूछिए। आपको नहीं समझ में आ रहा हो आई विल एक्सप्लेन इट। चलिए फर्स्ट हम देखते हैं वुलन क्लॉथ, ठीक है। वुलन क्लॉथ में आप सोचिए कि हम वुलन क्लॉथ कब पहनते हैं। वुलन क्लॉथ होता है ठंड के वुलन मतलब वुल मतलब क्या होता है, ऊन के कपड़े, ठीक है। वुलन क्लॉथ आप कब पहनेंगे, अभी आपको ठंड लग रही है, ठीक है, तो क्या आप कॉटन के कपड़े पहनेंगे, नहीं ना, तो आप किसके कपड़े पहनेंगे, वुलन क्लॉथ। तो फर्स्ट हमें किस में डालेंगे, विंटर सीजन में आपको क्या डालना होगा, वुलन क्लॉथ, क्लियर। तो आप इसको टिक करिए कि आपने ये वाला लिख लिया। अब ये सोचिए सेकंड वन है आपके लिए अम्ब्रेला। अम्ब्रेला आप कब यूज करेंगे बेटा, ठंड में यूज करेंगे क्या, ठंड से बचने के लिए, नो, ठीक है। ठंड से बचने के लिए हम अम्ब्रेला का यूज नहीं करते हैं, जब बारिश होती है तब हम किसका यूज करेंगे, अम्ब्रेला का। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा अम्ब्रेला, ठीक है, फर्स्ट नंबर डाल के आप इसमें भी लिखिए। एंड ये भी हो गया हमारा। अब ये जैकेट, जैकेट आप क्या पहनेंगे बेटा, जब आपको गर्मी लगेगी तब, नो ना, व्हाट हैपेंड, नो मैम आई हैव नॉट प्रॉब्लम, माय नेम इज दिव्या शर्मा, ओके वेरी गुड बेटा, ठीक है।
चलिए अब देखते हैं हम, जैकेट हो गया, थर्ड वन है कॉटन, सॉरी जैकेट पूछा था मैंने आपसे, जैकेट में अब हम जैकेट कब पहनेंगे, जब हमें ठंड लग रही होगी, ठीक है, तो ठंड का मतलब विंटर सीजन, तो हम जैकेट को कहाँ लिखेंगे, विंटर सीजन के कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। चलिए एंड नेक्स्ट देखे हैं कॉटन, कॉटन क्लॉथ, या पे यहाँ पे आप लिख दीजिए कॉटन क्लॉथ, ठीक है। कॉटन के कपड़े हम कब पहनते हैं बेटा, जब हमें गर्मी लगती है, मैंने बताया था गर्मी के टाइम में ही हमें कॉटन कपड़े को पहनना चाहिए, वो हमें लिए, हमारे लिए बेनिफिट होता है और हमें इजली हम वो क्या होता है पसीने को एब्जॉर्व कर लेता है, सोख लेता है, तो हम कॉटन के कपड़े कब पहनते हैं, समर सीजन में, ठीक है। तो हमें यहाँ पर लिख लेना है कॉटन क्लॉथ, इसको भी हम टिक कर लेते हैं, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट है स्वेटर, देखिए अभी आप लोग ठंड में, आज कितनी ठंड हो रही है देखा होगा, जब ठंड लगती है तो कहते ठंड लग रही है, आप ऐसे करते हैं ना, तो सभी बच्चे इस टाइम बेटा बैठे होंगे रजाई में और ठंड में, तो सोचिए आपने क्या पहन रखा है अपने आप में, देखिए और बताइए मुझे क्या पहन रखा है आप लोगों ने, बताइए। जब हमें ठंड लगती है तब हम क्या पहनेंगे बाबू, स्वेटर, क्लियर। तो हमें ठंड लगती है तो हमारा विंटर सीजन में हम क्या पहनेंगे, स्वेटर। तो हमने क्या किया, विंटर सीजन में स्वेटर को एक कॉलम बना लिया और उसमें हमने लिख दिया, क्लियर। चलिए ये भी हो गया। अब नेक्स्ट है रेनकोट, रेनकोट आपको पहनेंगे, सोचिए फिर से, नेक्स्ट हमारा वर्ड मैंने आपको दिया रेनकोट, तो रेनकोट हम कब पहनेंगे, जब हमें ठंड लगेगी, जल्दी बताइए कब पहनेंगे हम, जब हमें बारिश हो रही होगी तो हम किस चीज का यूज करते हैं, रेनकोट का, बारिश से बचने के लिए हम रेनकोट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर कहाँ पे किस कॉलम में आ जाएगा रेनकोट, रेनी सीजन, बारिश के टाइम में रेनी सीजन होगी तो हमें अपने कहते हैं ना, स्कूल आते हो आप, जब स्कूल आ रहे थे तो कभी कभी बारिश होने लगती थी ना बेटा, सोचिए कितने मजे आते थे, बारिश हो जाती थी तो मम्मा लेके आने, मम्मा कभी फिर अम्ब्रेला लेके आती थी, कभी आपके लिए रेनकोट लेके आती थी कि मेरा बेटा कहीं भीग ना जाए, मेरा बच्चा कहीं भीग ना जाए, तो मम्मा आपके लिए रेनकोट और अम्ब्रेला लेके आती थी। तो ये हमारे कौन से कॉलम में आएगा, रेनी सीजन के कॉलम में आ जाएगा, ठीक है, रेनकोट, क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास मंकी कैप, मंकी कैप कैसा होता होगा सभी बच्चे जानते हैं, मम्मा जबरदस्ती ठंड लगती है, जैसे आज बहुत ठंड हो रही है तो मम्मा आपको क्या पहना रखा होगा, जल्दी से बताइए मम्मा ने आपको क्या पहना रखा, कैप पहना होगा, किसी बच्चों ने मंकी कैप पहन रखा होगा जो पूरा ढका होता है और यहाँ तक ढका होता है, यहाँ तक सिर्फ, और आधा जो उसका पार्ट होता है ये हमारे गले में, ताकि हमारी गला भी ढका रहे, तो वो मंकी कैप देखा होगा ना सबने बेटा, बीच वाला स्पेस खाली होता है, पूरा सिर ढका हुआ यहाँ तक और ये नीचे गला ढका हुआ, तो ये हमारा कैसा होता है, मंकी कैप। तो ये मंकी कैप हम कब पहनेंगे, सोच के बताइए हमें, बारिश में तो पहनेंगे नहीं, ठीक है, गर्मी में भी नहीं पहनेंगे, गर्मी इतनी होती है कि लगता है जितने कपड़े उतार पाए उतने कपड़े उतार दें, तो सोचिए कब पहनेंगे हम, विंटर सीजन में, वेरी गुड बेटा, देखिए कौन है, विंटर सीजन में बता रहा है कि हमें वुलन मंकी कैप पहनना चाहिए, वेरी गुड बेटा, मंकी कैप, क्लियर। चलिए ये भी हो गया। अब वुलन सॉक्स, वुलन सॉक्स कब पहनेंगे आप सोच के देखिए, वुलन सॉक्स, ऊनी मोजे, गर्मी में पहनेंगे, ठंड में पहनेंगे या बारिश में पहनेंगे, बारिश में तो नहीं पहन सकते क्योंकि भींग जाएंगे, बारिश इतनी होगी तो हम भींग जाएंगे, फिर हम भी पहनेंगे सॉक्स भी पहनेंगे, सब कुछ भींग जाएगा, गर्मी में पहन नहीं सकते क्योंकि गर्म होंगे, इतनी तेज गर्म होंगे कि नीचे पैर में से हमारी गर्मी निकलती है वैसे गर्मियों में, तो हम गर्मी में भी नहीं पहन सकते वुलन, ऊनी कपड़े हम वैसे भी नहीं पहन सकते, तो रह गया हमारा विंटर सीजन, तो किसमें आ जाएगा ये, विंटर सीजन में, वुलन सॉक्स, आई थिंक क्लियर होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है हमारा ग्लव्स,
ठंड हो रही होगी अभी देखिए, तो आपको ग्लव्स कहाँ पहनते हैं, हमारे फिंगर्स में, जब हमारे फिंगर में ठंड लगती है, ठंड लगेगी वो ऐसे करते हैं ना, तो इस ठंड से बचने के लिए हमें क्या पहनते हैं अपने फिंगर्स में, अपने हाथों को बचाने के लिए आप क्या पहनते हैं बताइए, हैंड्स। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, अपने हाथों में जब हमारे ठंड लगती है तो अपने हाथों को बचाने के लिए हम क्या पहनते हैं, ग्लव्स। ठीक है, तो ग्लव्स हम कब पहनेंगे, जब हमें ठंड लग रही हो। गर्मी में तो मैंने पहले ही बताया, गर्मी में नहीं पहन सकते क्योंकि बहुत गर्मी होती है। ठीक है, तो हमें कब पहनना होगा ये ग्लव्स को, जब ठंड हो रही है। तो कौन से वाले कॉलम में आएगा, विंटर सीजन के कॉलम में आ जाएगा ये, क्लियर। चलिए तो बेटा ये आपको क्लियर था आज। चलिए हैव यू एनी प्रॉब्लम, किसी भी बच्चों को कोई दिक्कत हो तो प्लीज मुझे बताइए और मैं अभी आपको सॉल्यूशन बताऊंगी, क्या दिक्कत है, कहाँ समझ में नहीं आए वो मैं आपको अभी समझा दूंगी। प्लीज कमेंट करके बता दीजिए। वेरी गुड बेटा, चलिए किसी भी बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं है और ये आपको समझ में आ चुका होगा इसलिए। ठीक है, हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय। चलिए बेटा।